हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश जीएनएम 2022 के बारे में। जी हाँ गाइस, आप लोगों का मध्य प्रदेश जीएनएम 2022 का गाइस यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोगों का सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, हर एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं मध्य प्रदेश जीएनएम 2022। तो गाइस सबसे पहले बता दूं कि गाइस इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है ये आप लोगों का मध्य प्रदेश जीएनएम, इसका फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के थ्रू। अब गाइस इसके बारे में डिटेल में जानते लगे, इसकी एग्जाम डेट्स की बात की तो अभी तक ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू आप लोगों की डेट्स अनाउंस नहीं की गई है। जैसे डेट्स अनाउंस की जाएगी हम उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को वीडियो के थ्रू अपडेट करके नोटिफाई कर देंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म की बात की तो आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, जब कोई भी गलती करते हैं, इनवैलिड डिटेल्स एंटर करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो आपका एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो सकता है, मे बी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना हो। तो आपको क्या करना होगा कि गाइस आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, जिसे आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। उस वीडियो में गाइस आप लोगों को जो है लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। जी गाइस, फ्रॉम स्टेप वन यानी कि आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी भी उस वीडियो में आपको पे करके बताई जाएगी। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 12 पास आउट रहनी चाहिए विद मिनिमम 45% रिजर्व कास्ट के लिए 40% रहना यहाँ पे जरूरी है, एंड साइंस सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट है। फिर आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाता है, एग्जाम के लिए रिजल्ट आप लोगों का डिक्लेयर किया जाता है, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम है। फिर उसके बाद गाइस आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, काउंसलिंग में आपके जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, देन आप लोगों को जो है यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। सो नाउ आई होप कि आप लोगों को जो है मध्य प्रदेश जीएनएम 2022 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कुछ डाउट है, कोई भी हेल्प आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।